ये व्हील भी छोटा कर दिया है, पहले कभी बड़ा भी आया था तब। और ये बढ़िया देखो, धागा बिल्कुल एकदम परफेक्ट डाला हुआ है। ये तो ऐसी है, यहाँ से डालते हुए बराबर ऐसे करते हुए तो पूरा डाला रहता है सिस्टम में। मशीन 2024 की है, बिल्कुल तीसरे महीने की मैन्युफैक्चरिंग है। आप देख सकते हैं मेड इन चाइना, ये सर्टिफिकेट्स देना होता है उनको तो टेस्टिंग के बाद में। बिना ऑयल डाले मशीन को कभी चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार होता है रख रखे ड्राई हो जाती है मशीनें, तो टाइमिंग होने का डर होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और ये इनने इसमें इंडक्शन भी दिया हुआ है बाकायदा अपने। ये है दोस्तों जैक, यहाँ पे आपको एक सुविधा मिल जाती है 8 टाके 16 टाके 32 टाके का एक बार पैडल दबाने में ये सारी सुविधा मिलती है, आपको दो बार दबाने की जरूरत नहीं है। प्लस इसमें स्टिचिंग है, ये देखो ये पैरलर है, ये क्रॉस में है ना, लाइट बंद करके देखते हैं, ये क्रॉस में है, ये दो होल में है और ये पैरलर 4 होल में है। ऐसा माइनस माइनस दो उसमें करते हैं सिंगल। और टाके काफ़ी अच्छे होते हैं, इसमें 3 टाइप के बटन लगा सकते हैं और टाके में थोड़ा सा घना भी कर सकते हैं, ये खास बात है इसमें। हल्का साइड आपको यहाँ पे देना है, हल्का ऑयल यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है हल्का ऑयल, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, इन जगह में ऑयल देना है। दूसरा यहाँ से हल्के पिचकारी मार देना है अंदर में, जो कपड़े का क्लॉथ टाइप का ऐसा रहता है जिसमें ऑयल हमेशा स्टोर जैसा रहता है इसमें, क्योंकि ऑयल पम्प इसमें चलता नहीं है। और यहाँ से पिचकारी अगर मारेंगे तो पीछे जो केम रहता है, केम में जो चाल होती है उसमें आई पॉट एक चिकन हाथ और आई पॉट जाती है, हल्का दोगुन यहाँ पे दोगुन, यहाँ जैसे सॉफ्टिंग चलती है, यहाँ पे ये सॉफ्टिंग है, ये सॉफ्टिंग है, इनमें क्या होता है लुब्रिकेंट रहने से लाइफ अच्छी बढ़ जाती है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ की कमी मेरे को दिखी, यहाँ पे एक बैलेंसिंग आता है और शायद ये अंदर लगाएं के बाहर पता नहीं होना तो चाहिए था। कंपनी है धीरे धीरे बदलाव करती रहती है, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ मॉडल में है दिया हुआ है जिसके कारण बैलेंसिंग अच्छी रहती है। आपको वीडियो करूँगा, फोटो तो चेक करूँगा। इसका कंट्रोल बॉक्स पीछे में है, ये सोनर वाल है जो आपके स्टॉप। इसकी जैक की जो खास चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो वाकई में इसने जो बाकी मशीन का मैं फोटो डालूंगा, बाकी मशीन में जो ये बटन स्टिचिंग मशीन बनाया है उन लोगों ने, सादी मशीन पहले पुरानी जो 1377 है उसमें यहाँ पे क्या किया है उनने, एक सोनट वाल कोई मैगनेट वाल लगा हुआ है और मोटर लगा दिया यहाँ पे और एक असेंबली लगा दी, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है पूरा, इसने क्या किया बॉडी में ही ये सिस्टम इनबिल्ड कर दिया है और ज़्यादा बड़ा सोना डालने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ये बेहतरीन काम कर दिया है। इससे आप काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हो, उसमें मैकेनिकल एक साइड थोड़ा झटके मारती, ये एकदम परफेक्ट है और अब तक की सबसे बढ़िया आपको बताता हूँ 55,000 के आसपास के रेट में ये मशीन सबसे बेस्ट मशीन में से आती है। इसके मुकाबले मैं बताता हूँ कोई भी ब्रांड 1377 जो मॉडल है जैन स्टेशन, कोई भी ब्रांड इसके मुकाबला नहीं कर रहा है अच्छे। मैं आपको एक टेक्निकल के तौर पर बता रहा हूँ, ये जो है ये वाला मॉडल ये चैन स्टी, बस इतना है कि इसका बटन खुलने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये सिंगल धागे पे चलती है, इसके नीचे बॉबिन केस नहीं होता है, आप देख सकते हैं इसके नीचे होता है लूपर, तो ये धागा ऊपर से जाता है वही धागा फंस के सिंगल, इसे बोलते हैं चैन स्टिच, तो धागा खुलने के चांसेस रहते हैं क्योंकि एक धागा लॉक अगर इसका खुल गया तो पूरा बटन खुल जाता है, पर ऐसा देखने में बहुत कम आता है क्योंकि काफ़ी अच्छे से उसको लॉक किया जाता है, तो ये ऐसा अगर खुले तो फिर तो सभी चैन स्टिच मशीन में जैसे ये सिलाई ये भी चैन स्टिच होती है पेंट में पर, तो ये ऐसा नहीं है, इनका एंडिंग और स्टार्टिंग लॉक हो गया तो काफ़ी मजबूत रहती है फिर सिलाई और काफ़ी बजे। अभी देखो आप उसको खोलो कुछ भी करो नीचे से नहीं होगा, ऊपर में धागा एक रहता है और कभी कभी वो लॉक नहीं हुआ तब खुलता है, तो ऐसा नहीं खुलता, सिंगल धागा है ये इसके टेंशन सेट पहला, ये मेन धागा टाइट करने काम आता है, ये धागा ये फटल होता है फंसने का काम आता है फटल में, जब ऊपर में जब धागा पकड़ता है ये टेंशन का काफ़ी महत्व हो जाता है क्योंकि ये डाउन जाने के बाद में हल्का सा टाइट होता है, ऊपर आने के बाद में लूज हो जाता है।
ये काफी महत्व है। और धागे को लंबा छोड़ना है छोटा छोड़ना है, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है, सुई पे कितना धागा लंबा आना चाहिए कितना छोड़ना चाहिए। तो ये टाइट कोट्स का बड़ा इसमें कमाल की बात है। दूसरा, मैं पहला ये मशीन है जिसमें बकायदा ये लॉक नट, ये लॉक तो है ही इसमें, पर इसमें बकायदा इसके लिए सॉफ्टिंग, इसके लिए भी नट दिया हुआ दोनों साइड है, छोटे छोटे नट है ये महत्व रखते हैं। कई बार ये टाइमिंग को बचा लेते हैं आप होने से, वो निकल नहीं पाता है, हम चलाने में कंटिन्यू रहते हैं। तो इसमें हाई स्पीड आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, वायरिंग वायरिंग सब कुछ अच्छा है। मैंने काफ़ी सालों से मशीन चल रही है मेरी, पहले ये वाला जो है पुराना यहाँ पे आता था, तो कहीं ना कहीं कंपनी को एहसास हुआ कि ये प्रॉब्लम होता है इसमें, जब इधर अगर कहीं क्या है लेफ्ट हैंड होता है कोई राइट हैंड होता है, राइट हैंड ज़्यादातर लोग देते हैं, यहाँ पे टच हो जाता था, तो इन्हें इसको ऊपर कर दिया। बस इतना ही फर्क है मॉडल में, पुराने मॉडल से। हाँ, यहाँ पे मैंने देखा है कुछ मॉडलों में यहाँ पे एक बैलेंसिंग ग्रॉगिंग लगता है, कैम लगी हुई रहती है, जो क्या होता है इसको लोडिंग चलाने में बड़ा आसानी से जो काम करता है, अगर कुछ वीडियो में आप देखेंगे तो शायद मिल जाएगा कुछ। तो वो क्यों निकाला है, शायद ज़्यादा इसमें भरोसा हो गया होगा। तो ये है मशीन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है दोस्तों। मशीन में नीचे में एकदम साफ सुथरा बनाया है, जैसा मैं अभी तक देखते आया हूँ और अभी भी वैसे ही होगा। मैं एक हाथ से पलटा रहा हूँ, कोई और रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है मेरे को, एकदम रिपेयरिंग करते हुए कभी टाइमिंग आउट हुआ आसानी से आप इससे बिल्कुल टाइमिंग मैनेज कर। जो वाइट है ये ग्रीस है, हाई क्वालिटी बेस्ट ग्रीस है, जैक की तरफ से लग के आता है काफ़ी, क्योंकि इसमें हाई पंप वगैरह ऐसा कुछ चलने का चांसेस नहीं होता है, हाई नहीं है इसमें, कभी पैक नहीं है मशीन। तो देखो ये जैसे ये कनेक्टिंग रॉक का कैम है और ये मेन शॉफ्टिंग से इसमें पावर ट्रांसफर होता है, और वो है एक वर्म गियर, इससे ही कैम में पावर ट्रांसफर होता है। देखिए ये मोटर है, यहाँ से चलता है, यहाँ से इसमें पावर ट्रांसफर होता है, और इसमें जाने के बाद में उधर से घूम के ये इसमें ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से ये सीधा सिंपल है। और जैसे हम जैसे तीन के तीन टाइप की हमारी स्टिचिंग है, जैसे क्रॉस हो गया है, पैरेलल हो गया, फिर दो टाटा हो गया। तो इसको अगर यूज करना है तो हमारे पास वही कैम है। मोटर देखो, मोटर बड़ा सिंपल, और यहाँ पे बिल्कुल जगह खाली देती है जहाँ पे पहले बहुत सारा कवर दिया हुआ रहता था। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे ये लूपर होता है, क्या बॉबिंग केस लगता नहीं है, तो कैम होता है चाबी चलती है, अगर वो एक चाबी जो फंसाने का काम करती है उसको लगाने का, लॉकिंग करने का। छोटी छोटी बातों में काफ़ी अच्छा कस्टमाइज किया है, लाइट को भी बढ़िया स्टेबल कर दिया है, यहाँ पे आप खुली अपने हिसाब से जरूरत के हिसाब से चीज़ें कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने जो बताया था जैसे तीन कैम है, ये तीन टाइप की स्टिचिंग होता है, ठीक है ना, चीज़ें ऐसी है ये है। अभी जैसे पहले का मुकाबले क्या होता था, यहाँ पे देखिए इसका बार ऐसा होता था, एक नीचे से मोटर से मोटर नीचे पार्टी नीचे मोटर होता था, ये पूरा मैकेनिज्म होता था, ये मैकेनिज्म पूरा हमने ये जगह पूरी खाली हो गई, यहाँ पे से मोटर लग गया ऐसे। अब लोग ज़्यादातर कुछ कंपनियाँ ऐसी ही मशीन पे क्या करते हैं, यहाँ पे असेंबल लगा देते हैं, इसको डायरेक्ट वाई पावर की ओर बना देते हैं, बाकी सब मैकेनिज्म ऐसे ही रहते हैं। ये ब्रूस और जैक दोनों एक ही फैमिली है, ये ब्रूस का पहले पुराना मॉडल है, और इधर में ऐसा ऐसा मैकेनिज्म होता है मैनुअल मशीन में, ये कैम चलती है कैम के हिसाब से, यहाँ पे ये जब बढ़ जाती है ऑटोमेटिक ये स्टॉपर, ये स्टॉपर नीचे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे टकरा जाता है, पर कहीं ना कहीं पढ़ पढ़ के टाइमिंग आउट होने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा ये हल्का मॉडल है, ये हैवी, ये पूरी तरह से ऐसा वीडियो बनाने के कारण है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि पावर शेवर मशीन में ऐसा क्या बदलाव, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है इसमें, रनिंग स्टॉपिंग का बदलाव है इसकी वजह से। और ज़्यादातर सिलाई मशीन में आपने मोटर रनिंग का कंट्रोल कर लिया, मशीन ऑटोमेटिक यानी काफ़ी कुछ एडवांस हो जाती है, क्योंकि इसमें स्टॉप होना चलना यही महत्व है, ज़्यादा से सही चल रही है, सही जगह में स्टॉप हो रही है, ये समझो आपकी ये चीज़ एक नंबर बिल्कुल अच्छी है। ये है बटन मशीन जिसे मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, तो काफ़ी अच्छी, और अब तक की मैं बोल सकता हूँ बटन मशीन, अगर टाच मशीन आप दोजे की लेते हैं तो बटन मशीन मैं आपको जैक की सजेस्ट करूँगा, क्योंकि काच मशीन में हाँ जोजे की काच मशीन की जो डबल स्टेप मोटर यूज हुआ है उसका मैं दीवाना हूँ। अगर जैक ये चीज़ लाता है तो जैक का अल्टीमेट जोड़ी बन जाएगा, पर सभी जैक और जोजे का तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो इनमें काफ़ी क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट की है, पर जैक ने बटन मशीन बहुत दिमाग से और बहुत अच्छे से बनाया, ज़्यादा दिमाग लगा नहीं है। मैं खुद पुरानी मशीनों को बना सकता हूँ, जो बेल्ट वाली मशीन जो दिखाया मैंने पीछे रखी थी, पर क्या रहता है एक्चुअली कस्टमाइज करना मशीन से बहुत सारी हम खुद कर सकते हैं, लेकिन पावर सेवर मोटर होना उसका कंट्रोलिंग बॉक्स होना
तो आगे जाके किया जा सकता है, कई लोग करेंगे, जब मेरे पास इतना दिमाग है तो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड दुनिया में पड़े हुए, मेरा समझो सबसे कमज़ोर क्षेत्र में कमज़ोर दिमाग का आदमी, तो लोग क्या क्या सोचते होंगे अंदाजा लगा सकते हैं अपने सोल्यूशन मशीन रिपेयरिंग के बारे में। जब मैं इतना आसानी से सोच सकता हूँ तो लोग तो और भी कुछ सोच सकते हैं कि हम शादी मशीन को क्या बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये था एक 13771 मॉडल सीरीज का एक वीडियो, मैंने काफ़ी वीडियो डाला है, ये डिटेलिंग वीडियो था, अच्छा था।